हे गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो आइए देखते हैं होता क्या है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? सपोज आपके पास कोई एरिया है, मैग्नेटिक फील्ड में उसको रख दिया गया है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो अब इससे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होंगी जो परपेंडिकुलर जा रही है इससे, वही कहा जाता है क्या मैग्नेटिक फ्लक्स। उसको डिनोट कैसे करा जाता है? फाइ से डिनोट करा जाता है। इट इज़ गिवन बाय व्हाट? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए। ठीक है, तो जब इसको खोलेंगे तो बी ए कॉस थीटा आएगा। अब इन दोनों के बीच में एंगल देखो कितना बन रहा है, 0 डिग्री। तो यहाँ पे कॉस 0 क्या होगा? 1। दैट्स द रीजन व्हाई फाइ इज़ इक्वल टू बी डॉट बी इनटू ए। ओके, अब चलो यहाँ देखो, अगर मान लो कोई लूप को ऐसा रख दिया गया किसी एंगल पे, तो अब देखो इसका एरिया वेक्टर हमेशा इसके सर्फेस के परपेंडिकुलर होता है, मैंने बना दिया। अब देखो ये बी यहाँ है, इसके बीच में कोई एंगल बन रहा है, मान लो ये 60 डिग्री है, तो आंसर क्या आएगा? बी, मैंने फिर से लगाया वही फॉर्मूला, फाइ इज़ इक्वल टू बी डॉट ए, यहाँ पे कॉस थीटा क्या आएगा? 60 डिग्री। बस आंसर आ गया, दैट्स द फ्लक्स।